सहारा श्री के नाम से प्रसिद्ध सुब्रत राय का मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार थे। उनकी गिनती भारत के एक बड़े कारोबारी के तौर पर होती थी। सुब्रत राय ने भारत में सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की थी। उनके निधन पर राजनीतिक जगत से लेकर कई फिल्मी हस्तियों ने भी शोक जताया है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि सहारा श्री सुब्रत राय की पत्नी स्वप्ना राय और बेटे सुशांतो राय ने भारत की नागरिकता को छोड़कर बाल्कन देश मैसेडोनिया की नागरिकता ले ली थी। उन्होंने ये नागरिकता भारतीय कानून से बचने के लिए ली थी। सहारा श्री के खिलाफ निवेशकों का पैसा ना लौटाने को लेकर कई मामले चल रहे थे। ऐसे में उनके परिवार के सदस्यों ने दूसरे देश की नागरिकता लेकर खुद को भारतीय कानून से दूर करने की कोशिश की थी। मैसेडोनिया दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित देश है। ये एक नया देश है जो निवेश के लिए लोगों को नागरिकता प्रदान करता है। रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी नागरिक जो मैसेडोनिया की नागरिकता लेना चाहता है उसे बस 4 लाख यूरो के निवेश करने की घोषणा करनी होती है और 10 स्थानीय लोगों को नौकरी देनी होती है। ऐसा करने से उसे मैसेडोनिया की नागरिकता आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा जो विदेशी मैसेडोनिया के रियल एस्टेट में 40,000 यूरो से अधिक का निवेश करता है उसे 1 साल तक रहने का अधिकार मिल जाता है। मैसेडोनिया ऐसा अपने देश में बेरोजगारी के दर को कम करने के लिए कर रहा है। मैसेडोनिया में बेरोजगारों की संख्या काफी ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुब्रत राय सहारा के मैसेडोनिया के साथ अच्छे संबंध थे। वो कई बार मैसेडोनिया के राजकीय मेहमान भी बन चुके थे। उन्होंने मैसेडोनिया में मदर टेरेसा की एक बड़ी प्रतिमा स्थापित करने की भी पेशकश की थी। उन्होंने वहां एक कैसीनो बनाने का भी प्रस्ताव दिया था। मैसेडोनिया पहले यूगोस्लाविया का हिस्सा था, बाद में 1991 में आजाद हो गया और 1993 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।